सब्सक्राइब करें बिहार आसपास, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको मशगूल हो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का नफरत पैदा कर, जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण का नफरत पैदा कर, ST SC स्वर्ण का नफरत पैदा कर। आप उनसे पूछिए ना, वो लोग सुरक्षित, अपराधी माफिया दलाल सुरक्षित, पदाधिकारी सुरक्षित है, शराब माफिया सुरक्षित है, इस बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है। जिंदगी नासूर बना दिया है नेताओं ने और ये व्यवस्थाओं ने। इसके खिलाफ या नहीं तो आप एक सप्ताह के अंदर SPD ट्रायल करके फांसी की सजा दें, या नहीं तो शूट एंड साइड का ऑर्डर दें। बलात्कारियों को यदि आप जिंदा रखेंगे तो हमारी बेटी माँ बहन नहीं बचेगी। निर्भया के बाद 1,64,000 बलात्कार इस देश में हो चुके हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है, और कितने बलात्कार हुए आप कहना मुश्किल है। 1,64,000 तो ऑन द रिकॉर्ड है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कितने लाख में जाएंगे आप कह नहीं सकते 12 के बाद, और उसके बाद हम मजबूत बिहार और देश की कल्पना करते हैं। इसलिए यह उपवास इस जनता की को बताने के लिए कि अब आपको घर में नहीं रहना, इस सरकार को और विपक्ष को यह बताने के लिए कि अपराधी माफियाओं को शूट एंड साइट के लिए आप सड़कों पर उतरिए। आप जो आपका गठबंधन है इन अपराधी माफियाओं से इससे छुटकारा लीजिए। माना जाए नीतीश कुमार का पूरा शासन जो है वो सत, बिल्कुल कोई फेल शासन, कोई शासन है हद हो गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जात का नफरत का शासन, गठबंधनों का शासन, सब लगे हुए हैं जात जात का खेल खेलने में, हिंदू मुसलमान का खेल खेलने में। जनता का खेल कौन खेलता है? जनता की सुरक्षा की चिंता किसको है? किसानों की सुरक्षा की चिंता किसको है? बेटियों की सुरक्षा की चिंता किसको है? धान क्रय केंद्र का क्या होगा, इसकी सुरक्षा कितनी है? किसानों के धान के मूल्य का समर्थन क्या होगा, इसकी चिंता किसको? बिचौलिया और पूंजीपति किसानों के लूट लेंगे, यह सवाल कहाँ है? सवाल कौन कितना सीट जीतेगा और कौन कितना ठगेगा और कौन कितना जनता को बेचेगा, आज ये सवाल है। अचानक जरूरत पड़ गई एक की? नहीं, अचानक नहीं है, ये लगातार चल रहा है। लाठी गोली, फिर लाठी गोली के बाद अर्थी जुलूस, फिर लोकसभा में पिंटू सिंह जैसे हत्यारों के खिलाफ, गुंजन खेमका को के हत्यारों को दबाने के खिलाफ लगातार हाजीपुर में 2 किसानों को उठा ली गई, एक का मर्डर कर दिया गया, प्रियांशु पटेल जैसी 14 साल की बेटियों को बेच दिया, मार दिया गया। इसके खिलाफ लगातार लोकसभा में सवाल खड़े हुए कि आखिर क्या कारण है कि सत्ता पर विपक्ष इन अपराधियों के ही माध्यम से अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है, संतुलन बनाना चाहता है। ये इनके घर का शोभा क्यों बन, ये इन्हीं के पैसे से इनका दल क्यों चलता है, ये अपराधी इनके लिए इतना अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों अखिलेश जायसवाल को लगातार धमकी दी जा रही है मारने की? क्यों BJP और सत्ता पक्ष बचाना चाहते हैं, ये सवाल है। क्यों लड्डू सिंह के हत्यारे कहाँ गए? समीर सिंह के हत्यारे को क्यों गिरिराज सिंह से लेकर BJP के सारे नेता सुशोभित कर रहे हैं? कहाँ गए शाही के हत्यारे दरभंगा का? क्यों सुपौल में 5 हत्या हो चुकी? क्यों लखीसराय में व्यवसायी जा रहे हैं? क्यों गुंजन खेमका के बाद 2 पटना के व्यवसायी मारे गए? अच्छा, सवाल लगातार प्रदर्शन करें, आगे भी प्रदर्शन कीजिएगा। बिल्कुल, आगे भी लोकसभा बंद होगा और आगे भी बिहार बंद की तैयारी होगी, आप चिंता मत करें। चलिए बेटा, सुनो ना हमारी बात, ले ले लिए चाची, अब ले ले ना, कतावा ना पूछो बनिए कि ना सब साबुत हो में ही है ना, तो सब तो बनवा दो, मैं कुछ नहीं होते चिंता। आ तो फोन करिया हूं मैडम सर, हम मंगल जी सर, हां उनको कहीं और निकलने, एक मिनट।